हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप एंड वेलकम टू इंग्लिश आउल। सो मैंने एसएससी का 2018 और 2019 पेपर दिया हुआ था, दोनों मैंने क्लियर किया हुआ है। सो 2019 में मेंस में मैथ्स के पेपर में आई हैव गॉट 200 आउट ऑफ 200। सो मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो मैंने ट्रिक्स, जो टर्म्स वहाँ पे यूज किए, कैसे मैंने मैथ्स में इतना स्कोर किया, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाई, उन सब के बारे में जो मैंने ट्रिक्स वहाँ पे यूज की वो आप से मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज आता है स्क्वायर, कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे करते हैं, हाउ टू स्क्वायर एनी नंबर। कोई भी नंबर आ गया, देखिए जो क्या बोलते हैं, अगर इसका आप पूछेंगे क्या क्वेश्चन आते हैं, हाँ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे इनके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ इस नंबर का मुझे स्क्वायर बताइए। ठीक है, और ज्यादातर एग्जाम ऐसे हैं, या मैं ये बोलूंगा 90% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा लेकिन इनडायरेक्टली स्क्वायर का यूज आएगा। कि हाँ, अगर आपको सपोज करिए 85 का स्क्वायर नहीं मालूम है आपको, तो आप वहां पे करने जाओगे, सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम है, तो उतना टाइम आपके पास तो होता नहीं है। आपको क्या है, वहां पे ट्रिक्स यूज करना है। तो हम सीखेंगे तो वही भी कि ट्रिक्स का यूज करके सेकंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे लेकर आते हैं। तो चलिए पहले आपको मैं एक छोटा सा इंट्रो देता हूं कि स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर जैसे सपोज आपको छोटे छोटे नंबर्स को तो पता होगा, जैसे वन का तो वन होता है, टू का फोर, ये सब चीजें तो आपको बचपन में पढ़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था यार कितने तक का याद रखें। देखो, अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है, आपको ये नहीं आइडिया कि हाँ कितना याद रखना है, कैसे प्रिपरेशन है, क्या है, तो आप सबसे पहले 25 तक के स्क्वायर, वन से लेकर वन टू 25, इनके जो स्क्वायर्स हैं ये आपको थोरली याद रहने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको थोरली याद रहने चाहिए। अगर आपको इनके याद हैं तो जो आज मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं इससे आप 1 से लेकर 25 नहीं, 1 से लेकर 150 या 125 तक के स्क्वायर्स आपके ऑन टिप्स हो जाएंगे, सेकंड्स में आप निकाल लेंगे। आपको खाली कितना याद रखना है, खाली 1 से लेकर 25, और यकीन मानिए 90-95% बस इतने से यूज आ जाएगा आपका। जो मैं इतने तक आप याद रख लेंगे, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बस वहां से आपके 90-95% जो स्क्वायर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा, आपको आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं जो बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन क्या होता है, टर्म्स एंडिंग विद 5, नंबर्स एंडिंग इन 5, कोई भी नंबर जिनके जो 5 से एंड होते हैं, सपोज करिए 5 खुद ही, 15, 25, 35, 55, 45, 65, 75, 85, 95, 105, 125, इन नंबर्स पे स्क्वायर्स कैसे करें, इनको याद कैसे रखें। तो इन नंबर सबसे सिंपल है, 5 के जो नंबर एंड होते हैं 5 से, उनको याद रखना सबसे सिंपल है, या उनका स्क्वायर करना सबसे सिंपल है। जैसे सपोज करें मैंने आपको बोला कि मुझे 15 का स्क्वायर करके बताओ, तो कुछ बच्चों को याद होगा, जिनको याद होगा वो बोलेंगे ठीक है 225, ठीक है तुरंत आपने बता दिया। मैंने बोला अच्छा 25 का बताया, ये भी कुछ बच्चों को याद होगा, तो 25 का जैसे होगा काफी सारे लोगों को पता होगा 625, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा और मैं ऊपर चला जाता हूँ, चलिए 45 का बताइए, तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, 45 का इतना ज्यादा क्या याद होगा, तो कुछ ही नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे आप ये डिजिट देखिए, 10 का डिजिट क्या है, 4, 4 इंटू इसका 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, 4 इंटू 5 20, और 5 का स्क्वायर 25, तो 20-25 आंसर आपका है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली जो यहां पे 10 डिजिट पर नंबर है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो है आप वो लिख दीजिए और 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, तो 20-25। जैसे चलिए एक और ले लेते हैं 55 में यहां पे टेंस क्या है 5 का 5 इंटू नेक्स्ट नंबर 6 30 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 50 का 55 का 3025। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 65 में यहां पे क्या 6, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, और 5 का स्क्वायर 25 आंसर 75 के यहां पे देखिए क्या है 7, 7 का नेक्स्ट नंबर 8,
7 into 8, 56. 56, 5 का स्क्वायर, 25. यहाँ पे कि आप देखे, 3 डिजिट का, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, घबराना मत. देखिए, यहाँ पे क्या है, 10 डिजिट, इसको एक डिजिट मान लीजिए, 11. 11 का नेक्स्ट नंबर, 12. 12 into 11, 1, 3, 2. 5 का स्क्वायर, 25. आंसर, 225. 22 का नेक्स्ट नंबर, 23. ठीक है, 22 into 23, 22 into 3, 66, 6, carry 6, 22 into 2, 44, 6, 506, 5 का स्क्वायर, 25. एज इट इज सब कुछ एक तरीके से आया जा रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है, बस स्केल एक कॉन्सेप्ट जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और 25 आगे लगा दिया, कुछ नहीं करना है. हर एक 5 के जो नंबर एंड होते हैं 5 से उनका आपका स्क्वायर आ जाएगा, जो कि बहुत यूज आता है. 5 का आपने भी क्वेश्चन जो आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, आपके किसी भी एग्जाम में देखा होगा जिसमें, तो 5 वाले टर्म्स का यूज बहुत आता है, तो टाइटल हम निकाल लेंगे. आप आई होप समझ में आ गया होगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जो कि थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं. सपोज करिए 100 के आसपास के नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स जिसमें 5 नहीं है, तो अब उन नंबर्स का कैसे करेंगे? ठीक है, तो उन नंबर्स के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको खाली उस फॉर्मूला पे ध्यान रखना है और वो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है, आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा. ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, स्क्वायरिंग 100 प्लस बी. कोई भी नंबर, जैसे आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं. मैं आपको सपोज करिए, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताइए कि 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर आपको बताना है. ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली याद रखना देखो इम्पॉसिबल है. ठीक है, आप किसी भी नंबर का याद नहीं रख सकते. ठीक है, तो आप चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये देखिए, इसे हम लिख देंगे 100 प्लस 8. बेसिकली ये सेम चीज लिखी है, अब हमें इसका स्क्वायर बताना है. ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुछ मत करिए, 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दैट डिजिट, दिस डिजिट, इसे हम बी मान लें, तो 2 टाइम्स ऑफ बी, तो 2 टाइम्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 स्लैश इस डिजिट का स्क्वायर. तो यहां पे देखिए 100, 16, 64. तो ये कितना हो जाएगा, 116. यहां पे 2 डिजिट है, कुछ मत करिए, डायरेक्टली यहां पे लिख दीजिए आपका आंसर, 108 का स्क्वायर 116 64. समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा आपको बेसिक याद रखना है क्या कि 100 से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है. आपको इस कॉन्सेप्ट में बस आप इमेजिन कर दीजिए, बस इस कॉन्सेप्ट में बस, उसके बाद 100 प्लस 2 बी और उस बी का स्क्वायर. ठीक है, चलिए आपको मैं बेसिक फॉर्मूला दे देता हूं इसका कि हाँ बेसिक फॉर्मूला होता क्या है इसका. किसी भी नंबर जो 100 से बड़ा है, 100 प्लस बी, कुछ भी नंबर, 108, 109, 110, 115, कुछ भी नंबर, उसका क्या फॉर्मूला होगा, 100 प्लस 2 बी स्लैश बी स्क्वायर. अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे सपोज करिए 107, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कुछ मत करिए, 100 प्लस 7 का स्क्वायर है ये. ठीक है, अब एक बात बताइए, 107 मैंने क्या बोला, कुछ मत करिए, 100 लिखिए, इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ दिस बी 14 और इसका स्क्वायर 49, 7 का बी तो हमारा 7 है ना, तो इसका स्क्वायर तो कितना हो गया, ये 114 49, ये हमारा आंसर. ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि उसे 100 एंड बी के फॉर्मेट में आप ब्रेक कर दीजिए और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. सपोज करिए 112, ठीक है, क्या करिए, 100 प्लस 12, 100 एज इट इज लिख दीजिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 24 स्लैश 12 का स्क्वायर कितना, 144. थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आया होगा यार, 144 क्या एज इट इज लिखना है, नहीं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 124 आ जाएगा. अब यहाँ पे जैसे कि 1 है ना, इसको यहाँ पे लेकर ऐड कर दीजिए, तो 124 प्लस 1 125 और 44 को एज इट इज लिख दीजिए आप,
तो आपका आंसर आ जाएगा 12544, ठीक है? आपको समझ में आया अच्छे से? 112 से कैसे 100 प्लस 2 भी उसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको ऐड करने पर 1 इसको मैंने दे दिया, तो उसका स्क्वायर 12544। तो चलिए हम सी क्वेश्चन पे चलते हैं, 121। तो अभी तक जो मैं आपको समझाया बस वही यूज करना है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? 100 प्लस 21 का स्क्वायर। देखो आपको ना ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप मेंटली आप इसको बस इमेजिन कर लीजिए, 121 क्या है, 100 प्लस 21। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस वहां पे यूज कर लीजिए, 100 को एज इट इज प्लस 21 का डबल 42, उसके बाद 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। देखिए आपको 25 तक स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेगा, बिना उसके आपका काम नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं आप ट्रिक सारी ट्रिक ट्रिक ही होता है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए ये 142 हो गया, यहां पर 4 है, मैंने आपको क्या बोला इसको ऐड कर दो यहां पर, तो कितना हो जाएगा 142 प्लस 4 146, और 41 को एज इट इज लिख दो, आपका आंसर आ गया 121 का स्क्वायर 14641, ठीक है? अगले पर चलते हैं 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर चलिए मैं आपको वहां बता देता हूं, थोड़ा सा इसे रब कर देता हूं मैं। कितना 100 प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है? तो 100 प्लस 25 का डबल 50, 25 का स्क्वायर कितना 625, 150 प्लस 6 156, 25 आंसर, ठीक है? सिंपल है, कुछ ज्यादा इशू नहीं इसमें। जो जो आपको क्या बोलते हैं बोलता जा रहा है, बस जो यहां पे 100 के जितना ज्यादा है उसका डबल करिए, उसका स्क्वायर कीजिए, बस एज इट इज उसको लिख दीजिए, ठीक है? कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए हम आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको जो मैंने कराया ना वो 100 से प्लस वाले थे, तो सपोज करिए अगर आपको आ गया 96 आ गया, 84 आ गया, 95 आ गया, या 88 आ गया, जो 100 से थोड़ा सा कम है, तो उनके कैसे करते हैं? चलिए वो वाले कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस साइन तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे सपोज करिए मैंने आपको बोला कि 99, सिंपल ले लेता हूं पहले, 99 का स्क्वायर करना है, तो 99 एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? 100 माइनस 1 का स्क्वायर, और 100 माइनस 1 क्या होता है, जो मैंने आपको क्या बताया 100 को एज इट इज रखिए, वहां पे जैसे प्लस आ रहा था यहां पे माइनस रखिए, 2 भी सेम, यहां पे 1 है, 2 इंटू इसका डबल 2 स्लैश 1 का स्क्वायर 1, 100 माइनस 2 98। अच्छा हाँ, ये 1 का स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट है तो 01 लिख दो, ठीक है? तो 198 ये और 01 एज इट इज लिख दीजिए आंसर, 99 के स्क्वायर 9801। जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम यूज कर रहे हैं, बस चेंज क्या आया है, बस वहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस कर रहे हैं, और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, ठीक है? और क्वेश्चंस कर लेता तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, तो चलिए 96 का करते हैं, ठीक है? 96 का मतलब क्या हुआ, 100 माइनस 4 का स्क्वायर है, ठीक है? अब 100 माइनस 2b, 2b का क्या मतलब होता है, 4 इंटू 2 8 स्लैश 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 100 माइनस 8 92, और 16 को एज इट इज लिख दीजिए, तो 96 का स्क्वायर 9216, ठीक है? सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, खाली माइनस का चेंज हो रहा है, बस खाली वहां प्लस था यहां माइनस है, क्योंकि 100 से कम है वो 100 से ज्यादा था, ठीक है? बस बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां भी देखिए 89 का मतलब 100 माइनस 11, 100 का एज इट इज, 11 का डबल 22, 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए 100 माइनस 22 78, अब देखो यहां पे 1 आया था, थोड़ा सा यहां पे चेंज है,
सेम चीज यहाँ पे, आप ये सो ये मत कर दीजिएगा कि हम माइनस है तो 78 में 1 माइनस कर दो, यहाँ पे भी सेम ही चीज करना है, ऐड ही करना है। यहाँ पे 78 आया तो 1 को ऐड कर दीजिए, 79 2 1, ठीक है, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, खाली बस वहां पे जो वहां पे प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं 78 को कितना, 100 माइनस 22, 100 को एज इट इज, 22 का डबल 44, 22 का स्क्वायर 484, 100 माइनस 44 56 प्लस 4 60 और 84 को एज इट इज, ठीक है। 75 का करते हैं, 75 को क्या लिख देंगे हम, 100 माइनस 25, ये बार बार मत लिखना, मैं बार बार बता रहा हूं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इमेजिन करने की जरूरत है बस, बाकी आप खुद से कर लेंगे वहां पे। 100 को एज इट इज, 25 का डबल 50, 25 का स्क्वायर 625, तो 100 माइनस 50 50 प्लस 6 56 25, ठीक है, 56 25, 75 का स्क्वायर 56 25, क्लियर है। तो 100 के आसपास जो प्लस 25 के आसपास, प्लस माइनस 25 के आसपास जो 75 से लेकर 125 का स्क्वायर आप सेकंड्स में कर सकते हैं, खाली क्या बस एक फॉर्मूला ये, वो फॉर्मूला यूज, दोनों फॉर्मूलों को यूज करके, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक है, दोनों फॉर्मूले भी सेम यूज होते हैं, बस वहां पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमने अभी 100 वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब चलिए 50 वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए फॉर्मूला आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। जैसा सपोज करिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए 50 के आसपास, सपोज करिए 52 ले लिया मैंने, 52 का स्क्वायर हमें बताना है, तो 52 का स्क्वायर मतलब 50 प्लस 2, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे, 50 प्लस 2 इसका स्क्वायर बताना है। अब इसके लिए क्या फॉर्मेट याद करना है, सिंपल सा, 50 है 25, प्लस है प्लस, 2 है एज इट इज 2 लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 404, अगर एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर 1 के जैसे 01 होता, 2 का 04, 3 का 09, हम एज इट इज लिखने तो लिखने पे हम ऐसे लिखते हैं 04, ठीक है। तो 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, और 04 को एज इट इज लिख दीजिए, तो 27 04 52 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 50 का कॉन्सेप्ट है, आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ इसका, फॉर्मूला क्या यूज होता है, 50 से प्लस अगर जैसे 52 है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, जैसे 50 प्लस बी इज इक्वल टू 25 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सेम चीज माइनस में भी, 50 माइनस बी 25 माइनस बी बी स्क्वायर, क्वेश्चन कर लेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 25 को ऐसे लिख दीजिए, देखिए मैं आपको वो वापस से मैं करके बता देता हूँ जो एक प्रोसेस है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। 59 क्या लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ 50 प्लस 9, ठीक है, इसका स्क्वायर बताना है, तो मैंने इसका क्या कॉन्सेप्ट बताया, 25 लिख दीजिए एज इट इज, प्लस है तो प्लस लिखिए, 9 है तो यहाँ पे खाली 9 लिखना है, डबल नहीं करना है यहाँ पे, बस ये कॉन्सेप्ट चेंज है यहाँ पे 50 वाले, 9 एज इट इज लिख दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 25 प्लस 9 34, 81 आगे लिख दीजिए उसके आंसर आपका, 59 का स्क्वायर 3481, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 12, ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट 25 लिख दीजिए प्लस 12 है तो 12 लिख दीजिए, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 25 प्लस 12 37, अब हाँ वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, 3 डिजिट आ जा रहा था जो इसका 2 डिजिट बाद ये नंबर था, इसको हम ऐड कर दे रहे थे, तो वापस यहाँ भी वही करेंगे, 37 प्लस 1 38 44 आंसर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। 37 का स्क्वायर, अब 37 का स्क्वायर यानी माइनस वाला कॉन्सेप्ट, सेम चीज है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, 50 माइनस 13 का स्क्वायर है, 50 माइनस 13 का स्क्वायर मतलब 50 जगह 25, माइनस है तो माइनस, 13 है तो 13 लिख दो, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आई होप आपको याद होगा 25 का स्क्वायर, आप याद कर लीजिए, सबसे पहले आप
पहला काम स्क्वायरिंग के लिए 25 तक स्क्वायर ऑन टिक्स होनी चाहिए आपको, तभी आपके आगे वाले टिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। 25 माइनस 13 12, यहाँ पे 1 है, ऐड कर दीजिए 1 3 6 9, सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको मैंने 50 वाले कॉन्सेप्ट सिखाया, 800 वाले कॉन्सेप्ट सिखाया, अब कुछ एक मेथड आपको सिखा देता हूँ जो जनरल होता है, जो आप किसी भी नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कुछ लोगों की जरूरत रहता है कि हाँ हमें वो वाला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो उनके लिए है ये कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाकर किसी भी नंबर का आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं टू डिजिट का, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर के लिए हम आप ये आइए सीखते हैं, ठीक। जैसे सपोज करें हम कोई भी नंबर ले लिया आपने, जैसे सपोज करें यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्या है 42, 42 के लिए अब पहले फर्स्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर स्लैश इन दोनों का मल्टीपल का डबल 2 × 4 × 2 इनका डबल और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 16, 2 × 4 × 8 × 2 16 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 16, यहां पे 1 है 1 इसको दे दीजिए आप, यहां पे ऐड कर दीजिए 16 + 1 17 और 64 वहां पे बचा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो 1764 आपका 42 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं इसे। 38 है, 38 में 3 का स्क्वायर 2 × 3 × 8 देन 8 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 × 3 = 6 6 × 8 = 48 एंड 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट, पहला स्टेप क्या यूज करेंगे, 9 को दे देंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को भी यहाँ पे 8 को दे देंगे कितना हो जाएगा 14 और 4। अब इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 है 1 इसको दे दो तो 14, 4 बचा तो उसको एज इट इज सिंगल में है तो एज इट इज लिख दो, तो 1 × 4 38 का स्क्वायर कितना होता है 1 × 4 1 4 4 4, ठीक है। अब 43 का स्क्वायर करते हैं, तो 43 में क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे हम, फिर 2 × 4 × 3 फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 × 4 = 8 3 × 24 9, ठीक है। तो 16 2 दे दीजिए 16 में कितना हो जाएगा 18 49, ठीक है। 43 का स्क्वायर 1849, ये जनरल मेथड है टू डिजिट का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप 20, ये उनके लिए जो 25 तक के स्क्वायर्स नहीं याद कर सकते, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, ताकि फिर जो आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाया 100 के और 50 के जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसका यूज करके आप स्क्वायर निकालिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है और ज्यादा वो फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 25 तक याद रहते हैं तो वो तो यूज आता ही है, साथ में 125 150 यहाँ तक स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये जनरल मेथड है जिनके लिए, जिनको 25 तक के भी नहीं याद हो सकते, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 25 तक याद कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो ठीक है। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किए थे, ठीक है, उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला था अपने प्रिपरेशन में और पेपर में भी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ये कॉन्सेप्ट यूज करिए, अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट करिए, ठीक है। आई होप हम जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।